कोरोना वायरस जैसी महामारी के चलते मध्य प्रदेश में आगामी उपचुनाव नहीं हो पाया, जिसके चलते चुनाव होना बाकी है। यहां 24 सीटों पर चुनाव होने हैं और माहौल गर्माता चला जा रहा है। कुछ दिन पहले बीजेपी के नेता कांग्रेस में और कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल होते नजर आए, जिसके चलते कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि हम कम से कम 24 में से 22 सीट जीतकर पुनः सरकार बनाएंगे। सज्जन सिंह वर्मा ने बताया कि बीजेपी में ऐसे कई घोटालेबाज नेता हैं, जिसे कांग्रेस अपनी सरकार बनाने के बाद इन नेताओं को जेल भेजेगी। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे तो बीजेपी द्वारा बताया गया था कि सबसे बड़ा भूमाफिया ज्योतिरादित्य सिंधिया है और इसकी जांच होनी चाहिए। सज्जन सिंह वर्मा ने सिंधिया पर निशाना साधते हुए कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की जांच होनी चाहिए, जिससे सिंधिया को भूमाफिया साबित किया जा सके। ऐसे कई भूमाफिया रेत माफिया छिपे हुए हैं, जो कांग्रेस सरकार बनते ही इनका पर्दाफाश किया जाएगा। जो इस उपचुनाव में ताकत लगा देना बीजेपी से कह रहा हूँ मैं, सरकार तुम्हारी 1000% गिरेगी। जो इस विधानसभा में 22 विधानसभा कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस फिर सरकार बनाएगी, उसके बाद तुम शायद नहीं बच पाओगे। ईटेंडिंग घोटाला, रेत घोटाला, भू माफिया घोटाला, अब तो सिंधिया खुद ही बीजेपी के लोग कहते थे कि भैया कमलनाथ जी ने भू माफियाओं पे हमको लगाया, सबसे बड़ा भू माफिया से जूझ रहे सिंधिया, अब सारी जाति होंगी जब हमारी सरकार में।